हेलो फ्रेंड्स मैं डॉक्टर काजल मांगोकिया प्रैक्टिसिंग गाइनाकोलॉजिस्ट ऑब्सिट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर सूरत नमस्कार आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज में और हमारे जो व्यूअर्स हैं किसी व्यूअर का कमेंट बॉक्स में आया था कमेंट कि मैम वजाइनल क्वेफ पे आप वीडियो बनाइए तो फ्रेंड्स आज स्पेशली हमने वजाइनल क्विफ पे वीडियो बनाया है कि बेसिकली वजाइनल क्विफ क्या होता है आ, पहले तो वजाइनल क्विफ को क्लियर करती हूँ मैं अच्छे से समझाती हूँ आपको कि वजाइनल क्विफ मींस वजाइनल फ्लेट्यूल्स या तो वजाइनल फाट या तो वजाइनल गैस यानी कि वजाइना से जैसे नॉर्मली रेक्टम में से गैस यानी हवा छूटती है वैसे ही कोई कोई महिलाओं को वजाइना में से भी ऐसे ही गैस छूटती है तो फ्रेंड्स आप सोचेंगे कि ऐसे कैसे पॉसिबल होता है कि वजाइना में से गैस आए तो काफ़ी बार हम देखते हैं कि यंगर यंग फीमेल्स जो होती है कि जब भी वो एक्सरसाइज कर रही है या तो जब भी इंटमेसी होती है वह समय पे वजाइना में से ऐसी जैसे फाट की वॉइस आती है वैसे ही गैस पास होता है और ऐसे ही वॉइस आती है तो काफ़ी बार उनको इनकन्वीनियंस लगता है या तो दे डोंट फील गुड कि ऐसा क्यों होता है तो फ्रेंड्स वजाइनल फाट जो है यह कोई सीरियस बीमारी नहीं है पहले तो यह कोई बीमारी नहीं है इट इज़ अ वेरी मच फिजियोलॉजिकल थिंग कि काफी बार ऐसा होता है कि यह जो वजाइना है बहुत ही लैक्स होता है यानी कि अगर लूज है तो यहाँ पे वजाइना एयर जो होती है वह एटमोस्फियर की एयर जो एयर है वह ट्रैप हो जाती है और जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या तो फिजिकल इंटमेसी के दौरान यह जो गैस है वह बाहर निकलता है तो जैसे रेक्टम में से गैस बाहर निकलता है और वॉइस आती है वैसे ही वजाइना में से जो एयर ट्रैप हुई है वह बाहर निकलती है तभी जो वॉइस आता है उसको हम वजाइनल फाट या तो वजाइनल फ्लैट्यूलेंस या तो वजाइनल क्विफ कहते हैं तो so फ्रेंड्स uh, इसके रीजंस क्या क्या होते हैं कि कौन से पेशेंट्स हैं जिनको यह प्रॉब्लम आ सकती है तो जो भी महिलाएं हैं जिनके पेल्विक फ्लोर मसल्स जो है वो वीक है या तो ट्रोमेटिक वजैनल डिलीवरी हुई है या तो इवन एपिजियोटॉमी अगर बहुत बच्चे का वजन ज़्यादा है या तो आ, उसकी वजह से अगर उनको जो एपिजियोटॉमी रहती है वो बहुत ही बड़ी एपिजियोटॉमी दी गई है Uh, या तो फॉरसेप्स डिलीवरी हुई है uh, तो ऐसे पेशेंट में हम देखते हैं कि बिकॉज ऑफ द पेल्विक फ्लोर मसल्स या तो वजाइनल एग्जिट की वजह से उनको ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं तो इसका जो डायग्नोसिस है या जैसे हमारा जो वजाइनल एग्जिट पे वीडियो है मैंने समझाया था वहाँ पे भी तो आप उसकी जो लिंक है वो हमारे आई बटन में यहाँ पे दी गई है वहाँ पे आप देख सकते हैं और वजाइनल न जो है बेसिकली पेशेंट जो भी में है या तो एक्सरसाइज कर रहे हैं जहाँ पे आपने बहुत ही टाइट क्लोथ्स पहने हैं तो ऐसे समय में वो फैट निकलती है और यह सेल्फ डायग्नोसिस हो सकता है और जनरली पेशेंट आते हैं कि मैम ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो हम क्या करें तो फ्रेंड्स मैं बताने वाली हूँ कि क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं मतलब कैसे आप यह तकलीफ को कम कर सकते हैं या तो इससे आप छुटकारा पा सकते हैं तो ट्रीटमेंट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट की आप Uh, जो टेम्पन्स होते हैं जैसे आप एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं वह समय पे आप वजाइना में टेम्पुन रख सकते हैं टेम्पुन की वजह से क्या होगा कि यह जो वज़ाइना की जो स्पेस है वह ऑक्यूपाई हो जाएगी विद द टेम्पुन्स तो देर विल नॉट बी एनी स्पेस मतलब आजू बाजू में कोई जगह नहीं मिलेगी बाहर की जो एटमोस्फियरिक जो एयर है उसको अंदर जाने के लिए कोई स्पेस नहीं रहेगी सो so, टैम्पूंस आप ड्यूरिंग एक्सरसाइज पहन सकते हैं जैसे ही आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है उसके बाद आपको टैम्पोन निकाल देना है सो दिस इज़ द फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन दूसरा ऑप्शन है कि आप जो पेसरीज आते हैं वजाइनल पेसरीज जैसे बेंगल्स आते हैं वही टाइप के पेसरीज आते हैं और यह जो पेसरीज होते हैं उसकी वजह से भी आपकी जो वजाइना है उसको स्ट्रेंथ मिलती है और आ, में जो जो ट्रैप होने के चांसेस है वह कम हो जाते हैं और बेसिकली जो हैं वह पे फिट होती हैं इट इज लाइक अ रिंग तो वह रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वह सर्विक्स के ऊपर यहाँ पे ऐसा फिट हो जाता है सो so, काफी बार जो पेशेंट है जिनको प्रोलैप्स है और वजाइना लूज हो गई है या तो जैसे मैंने बताया कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आप वजैनल पेसरी जो आती है उसका एज अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हैं तीसरा जो ऑप्शन है कि एक्सरसाइज तो जैसे फ्रेंड्स वजाइनल लैक्सिटी पे हमने वीडियो बनाया है उसमें भी मैंने पूरा डिटेल में समझाया है प्लस कीगल एक्सरसाइज़ के ऊपर हमारा एक वीडियो है जो लिंक आपको दी गई है आई बटन में वह आप वहाँ पे लिंक पे जाकर देख सकते हैं सो so, एक्सरसाइज में दो चीज़ इम्पोर्टेंट है फर्स्ट इज़ द कीगल्स एक्सरसाइज एंड सेकेंड इज़ द पेल्विक फ्लोर मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज तो आपको सही तरीके से एक्सरसाइज करना आवश्यक है तभी आपको रिजल्ट मिलेगा और एक्सरसाइज जो है कि जो महिला है अभी प्रेग्नेंट है तो एंटीनेटल पीरियड यानी कि डिलीवरी के पहले का जो समय है उसमें भी आप यह एक्सरसाइज कर सकते हैं ताकि आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स की स्ट्रेंथ बनी रहे दूसरा आपकी डिलीवरी हो जाती है जैसे हमारे ऑर्किड हॉस्पिटल में वी हैव अ फिजियोथेरापिस्ट वी हैव अ डाइटिशियन जो आपको डिलीवरी के बाद कौन सी एक्सरसाइज करना है एक्सरसाइज कैसे करना है वो सारा डिटेल में बताते हैं तो आफ्टर डिलीवरी आप एक्सरसाइज करेंगे तो भी आप ये वजाइनल लेग्जिटी का इश्यू नहीं आएगा और अगर वजाइनल एग्जिटी का इश्यू नहीं आएगा तो वजाइनल फैट से आप प्रिवेंट हो प्रिवेंट कर सकते हैं तीसरा कि जो पेरीमिनोपोजल फ़ीमेल हैं या तो मिनोपोजल फीमेल हैं उसमें भी काफ़ी बार ऐसी तकलीफ पाई जाती है तो उनके लिए भी कीगल एक्सरसाइज एंड पेल्विक फ्लोर मसल्स एक्सरसाइज इन अ राइट वे तो वजैनल फैट से आपको छुटकारा मिल सकता है तो यह मैंने दोनों चीज़ें आपको बता दी कि जो एक्सरसाइज है वह वजैनल फैट को प्रिवेंट भी करेगा और एज अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट भी आपको हेल्पफुल करेगा सो so, फ्रेंड्स आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जैसे हमारे जो व्यूअर ने बताया कि मैम वजैनल क्विफ पे आप वीडियो बनाइए तो यदि आपको ऐसा कोई टॉपिक है Uh, आपको फ़ील होता है कि यह टॉपिक पे अभी वीडियो नहीं है तो वह भी आप सजेस्ट कर सकते हैं कि uh, मैडम यह टॉपिक पे आप वीडियो बनाइए तो हम जल्दी कोशिश करेंगे कि आपके दिए गए टॉपिक पे भी हम वीडियो बनाएं। सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो और आपके जो भी नियर डियर हैं जिनको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो उनको भी आप यह वीडियो शेयर कीजिए थैंक यू